मिलावटी सामान बेचने वाले को नहीं किया जाएगा माफ। डिप्टी कमिश्नर संदीप हंस ने मोगा जिले के हलवाइयों और सेहत अधिकारियों से की मीटिंग। त्योहारों में मिलावटी सामान ना बेचने की अपील। त्योहारों में अक्सर दुकानदार मोटी कमाई के चक्कर में मिलावटी सामान बेचते हैं, जिससे आम जनता की सेहत के साथ खिलवाड़ होता है। वहीं त्योहारों को देखते हुए मोगा डिप्टी कमिश्नर संदीप हंस ने आज जिला भर के हलवाइयों और जिले की फूड विभाग और सेहत विभाग के अधिकारियों से एक अहम मीटिंग की। इस मीटिंग में जिले के गांवों के हलवाइयों को भी बुलाया गया। वहीं डिप्टी कमिश्नर ने सभी हलवाइयों से पुरजोर अपील की कि वे मिलावटी मिठाई ना बेचें और जनता की सेहत के साथ खिलवाड़ ना करें। उन्हें यह भी कहा कि सजावट के लिए कोई भी हलवाई कोई घटिया किस्म के रंग या कुछ और ना यूज़ करे। उन्होंने कहा कि शुद्ध खोया और पनीर का ही इस्तेमाल किया जाए। वहीं उन्होंने मोगा जिला फास्ट फूड सेफ्टी विभाग को भी सख्ती से पेश आने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सेहत से खिलवाड़ करने वालों को हरगिज माफ नहीं किया जाएगा। मोगा से विपर ओकारा की खास रिपोर्ट। डाकू है जिन्नी देर तक मैं प्रूव नहीं कर देता मैं चोर नहीं है मैं डाकू सूर साहब जो भी बेस्ट अवेलेबल चेक के होगा मेरा ख्याल कोई भी इस तरह का यूज कर पाएगा सारे ब्रांड ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਦੋਂ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਬੜੇ ਮਾਮਲੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦਸਵਾ ਨਹੀਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਸਾਹਿਬ ਸੋ ਇਹਦਾ ਇਹੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸੈਂਪਲ ਭਰ ਲਓ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸੈਂਪਲ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਇਹੀ ਡੈਟਰੈਂਟ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਦੇਖੋ ਛੋਟੇ ਦੇਖੋ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਹਨੇ ਦਸ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਰੇਹੜੀ ਫੜੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਟੀ ਵੀ ਅਰਨ ਕਰੀਏ ਔਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵੀ ਬਣਾਈਏ ਦੁੱਧ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸੀਜ਼ਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਿਦ ਬੈਸਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸੀਜ਼ਨ ਕੋ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀ ਗਈ ਹੈ ਹਲਵਾਈ जो हमारे डिस्ट्रिक्ट मोगा के हैं अलग अलग टाउन से हैं अलग अलग शहरों से हैं उनसे ये मीटिंग की गई और उनको ये अपील की गई है कि वो दूध से बनी मिठाइयों का स्पेशली दूध से बनी हुई मिठाइयों का में जो मिलावट होती है जो बैड क्वालिटी जो पुअर क्वालिटी का जो दूध यूज़ होता है या खोआ यूज़ होता है तो उस पर वो अपना वो चेक रखें घी जो है वो बिल्कुल क्वालिटी प्रोडक्ट्स यूज़ करें FSSAI की तरफ से जो प्रमाणित जो कलर्स हैं उनका इस्तेमाल करें सब स्टैंडर्ड जो चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल ना करें ताकि जो उनका जो मिठाइयाँ बनती हैं बच्चों ने भी खानी होती है बड़ों ने भी खानी है बुज़ुर्गों ने भी खानी है तो किसी की सेहत का नुकसान ना हो किसी की सेहत के साथ वो किसी किस्म का खिलवाड़ ना करें तो इस लाइन से आज उनसे एक मीटिंग भी की गई है उनको अपील की गई है उनको हमने इन्फॉर्मेशन भी दी है और इसके बारे में उनको ये बताया भी गया है कि इसके जो है ये बड़े कड़े नतीजे हो सकते हैं बड़ी सज़ा भी हो सकती है इनको पेनल्टी भी होती है और इसमें इम्प्रिजनमेंट का प्रोविज़न भी सर सैम्पलिंग की बात की गई है 15 दिन रह गए हैं दिवाली को
तो कितने दिन में सैंपल भरे जाएंगे, कब उनकी रिपोर्ट आएगी, कुछ है इसमें? देखो सैंपलिंग तो पहले भी चल रही थी, सैंपलिंग अब दिवाली से पहले भी की जाए, तो ये जहाँ कहीं भी हमें शक पड़ता है या हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जो फलानी स्वीट शॉप या जो दूध का विक्रेता है, दूध या दूध से जो बनी हुई चीज़ों का विक्रेता है, उसके सामान में मिलावट है, तो उसकी चेकिंग भी की जाती है, सरप्राइज रेड भी की जाते हैं। तो इतने बड़ी मात्रा में इसको अकेले अकेले का सैंपल भरना वो भी ठीक नहीं है, उससे अगले की दुकानदारी खराब होती है। लेकिन जहाँ कहीं हमें शक पड़ता है तो हमारी फूड सेफ्टी टीम है, वो चेकिंग करती है। हमारी फूड सेफ्टी टीम के साथ मैंने SDMs और जो हमारा सब रीजन लेवल पे जो हमारा प्रशासन है वो भी इनको साथ देंगे और वो भी इनके साथ जाएंगे, ताकि अगर कहीं पर कोई शिकायत आती है तो इमिडिएटली। तो सर इन दिनों कोई खास प्रोविजन है कि जल्दी सैंपल की रिपोर्ट आ जाए? हम कोशिश करेंगे जहाँ पे हमें ऑन द फेस ऑफ इट महसूस होता है कि ये सब स्टैंडर्ड है या ये अनसेफ है, तो वहाँ से हम कोशिश करके जल्दी भी रिपोर्ट मंगवाने की कोशिश करेंगे। तो सर मिठाई विक्रेताओं के साथ आपकी मीटिंग हुई है, जो दूध विक्रेते हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में मोगा में है, तो उनसे मीटिंग हुई कि ऐसा दूध ना बेचें उनके साथ? नहीं, उनसे भी हम मीटिंग करेंगे, आज मिठाई वालों के साथ भी थी, दूध वालों के साथ भी हम अलग से करेंगे, वो उनसे करने की बहुत ज़रूरी है क्योंकि वहीं से सारा चीज़, ये सारा बिजनेस स्टार्ट ही वहीं से होता है। तो सर कुछ ऐसा नहीं है कि ऑन द स्पॉट चेक किया जाए दूध वगैरह? नहीं, हम ऑन द स्पॉट भी चेक कर रहे हैं, हमारी तरफ से फूड सेफ्टी टीम है, इंडिपेंडेंटली काम करती है, इसको हम सपोर्ट पूरी देंगे, पुलिस हेल्प भी देंगे और साथ में हमारे जो मजिस्ट्रेट हैं वो भी साथ में जाएंगे, ताकि इनको कोई मौके पे दिक्कत ना पेश आए।